नमस्कार, अराइजूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और देवघर जिले की सारठ विधानसभा से विधायक रणधीर सिंह ने आज सारठ प्रखंड के कुंडारो जमुआ घाट पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। स्थानीय जनता की मांग पर सारठ विधायक घोड़े पर सवार होकर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन करने पहुंचे। गौरतलब है कि इस पुल का शिलान्यास करीब 2 साल पहले 5 दिसंबर 2018 को रणधीर सिंह के हाथों ही हुआ था और आज ये काम पूरा हो गया। स्थानीय लोगों की मान्यता को ध्यान में रखते हुए उस समय विधायक रणधीर सिंह हाथी पर सवार होकर इस पुल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। नवनिर्मित पुल के उद्घाटन के मौके पर विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश है कि क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो और इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। हालांकि राज्य में भाजपा सरकार के न होने से वो क्षेत्र का उतना विकास नहीं कर पा रहे हैं जितनी क्षेत्रवासियों की आकांक्षाएं हैं। इस बात को उनके विधानसभा की जनता बखूबी जानती समझती है। यही कारण है कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद वर्षों से उन्हें लगातार मिलता रहा है। गौरतलब है कि रणधीर सिंह का नाम भाजपा के उन नेताओं में गिना जाता है जो राज्य में सरकार बनाने बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। एआरआई न्यूज के लिए सारठ से अरुणेश कुमार की रिपोर्ट।